हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगला ये जो अगला आप लोगों का यूपी स्कॉलरशिप आना है उसमें इन सभी बातों को आपको आज से ही ध्यान देना होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपका 1 महीना या 10 दिन या 15 दिन में ठीक होने वाला नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें तो ये सभी चीजें जो है आपके साथ गलती ना हो, और जो मिस्टेक की वजह से, देखो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को तो फेयर वे में भी नहीं मिला है पैसा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं उनकी भी मात्रा है जिन्होंने मिस्टेक किया है, गलती की है फॉर्म को फिल करने में, जो जो उसमें मांगा गया था क्राइटेरिया वो नहीं दिया है, जिसकी वजह से जो है उनका स्कॉलरशिप नहीं आ पाया है। तो वो गलती आप ना करें और आने वाला स्कॉलरशिप से रिलेटेड आज आज से ही आपको तैयारी भी करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा ही रूल अब बन भी रहा है, तो ये रूल आपको आज से जानना जरूरी है। तो हम आज इस वीडियो में जो है आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो नया रूल बना है, नए नियम बन रहे हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए भाई, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो चीजें मैं बताने वाली हूँ आपको आज से ध्यान देना होगा। हमने जो है आपको डीबीटी के बारे में भी बताया था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो है पैसा नहीं आ पाया है और ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरा पैसा नहीं आया, ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है, अब ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने डीबीटी का मतलब ही नहीं समझा, एनपीसीआई का मतलब ही नहीं समझा। तो ये चीज मिस्टेक जो आपने पिछली बार की, इस बार नहीं करना है। और इस बार तो नियम भी अलग अलग बन रहे हैं। देखिए मैं आपको एक नियम पहले बता देती हूँ, छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना में ई केवाईसी लागू। अब आपको ई केवाईसी पर ध्यान देना है, समझ लो ई केवाईसी है क्या, इसके बारे में नहीं समझे गया आपका पैसा, अब अगली बार भी आने का कोई चांस आपको दिखाई नहीं देगा। तो ई केवाईसी है क्या, इसमें ऐसा नियम बनाया गया है कि आपका, देखो दो चीजों को ध्यान में रखना है, एक तो आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार लिंक हो, ये तो रूल एकदम कंपलसरी हो चुका है, तो आप लोग करोगे ही करोगे, राइट। दूसरा जो इसमें नियम बन रहा है कि आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, ध्यान देना मेरी बातों को, जो हाई स्कूल का आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो आपका नाम होगा वो नाम आपके आधार के नाम से मैच करना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में कोई ऐसा नाम है जो कि आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रहा है तो आपका पैसा नहीं आएगा, क्लियर समझ लो इस बात को। और अगर आपके आधार में जो नाम है और आपके जो इसमें सर्टिफिकेट में जो नाम है अगर अलग अलग है तो अभी जा करके अपने आधार का संशोधन करवा लें, चेंज करवा लें, जो आपका हाई स्कूल में नाम है उसी के अकॉर्डिंग आधार में भी नाम रखिए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी। देखिए क्या नियम बना है, केवाईसी की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन में आधार नंबर डालते ही विद्यार्थी का नाम, पता, उम्र, लिंग और खाता संख्या के कॉलम खुद ही भरे जाएंगे, वो ऑटोमेटिक जो है वो कॉलम फिल हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत हाई स्कूल के अंक पत्र, देखिए मार्कशीट, हाई स्कूल के मार्कशीट और आधार में दिए नाम में अंतर होने पर योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप लोग का जो है हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, अंक पत्र है वो, और आपका जो जो बोलते हैं हम कि आपका आधार का है, अगर नाम में अंतर पाया जाए, नाम के स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो, तो आपको जो है नहीं मिलने वाला है पैसा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समय रहते यह देख लेना चाहिए कि हाई स्कूल के अंक पत्र आधार कार्ड में दिए नाम एक ही हो, अगर अंतर है तो आधार कार्ड में दिए नाम में हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार संशोधन करा ले। इसी तरह से आधार से जो बैंक खाता लिंक होगा, छात्र के ऑनलाइन आवेदन में वही खाता संख्या प्रदर्शित होगा। अगर आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में कुछ और अकाउंट नंबर डाल रहे हो और आपका जो है अकाउंट जो आधार नंबर से लिंक है वो अलग है, तो फिर आपका तो फिर वहां से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को जो है आपको अभी से ध्यान में रख लेना है और ये सभी चीजें जो है आपको करेक्शन करके रखनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नियम फिर रोज रोज तो बनेंगे नहीं
और जो नोटिस आता है आप फिर उसको सही से पढ़ोगे नहीं और प्रॉब्लम होगा। जितने हमें मैसेजेस आए हैं उसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि अब स्टूडेंट की खुद की गलती की वजह से भी पैसा नहीं आया है। कंप्लेन किया स्टूडेंट ने तो पता चला कि उनकी गलती क्या थी, डीबीटी का करवाया ही नहीं, पुराना कोई एक अकाउंट था जो 5 साल 6 साल 10 साल पहले बंद, इनके अनुसार बंद करवा दिया गया है और वही एनपीसीआई मैपिंग में अकाउंट शो हो रहा है, तो पैसा उस अकाउंट में भेजा ही नहीं जा सकता, वो तो अकाउंट आपने बंद करवाया था, पैसा जो है फेल्ड दिखा रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। एक तो सरकार ऐसे ही आपको पैसा नहीं देना चाहती है और आप खुद से भी मिस्टेक कर दोगे तो सोचो कहाँ से पैसा आएगा। सो इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, डेफिनेटली आपको आपका ये चैनल जो है वो लेकर आएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।